छत्र जो हमसे टकराएगा जो हमसे टकराएगा काम पे अभी तो नहीं अगड़ाई है। कल की रूपरेखा के बारे में बताएंगे जी। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर कल को पूरे भारत में ग्रामीण बंद का आह्वान किया गया है। इस कड़ी में हमने फैसला लिया है कि पक्का मोर्चा पर 10 से 3 बजे तक यहां हम बंद करेंगे। कनड़ी में बंद करेंगे, समैन में बंद करेंगे, बलियाला में बंद करेंगे, डांगरा में बंद करेंगे, जमालपुर रोड पर जमालपुर गाँव में बंद करेंगे। और जो मुनक रोड है वैसे तो सरकार ने वो पहले ही बंद कर रखा है, लेकिन फिर भी हम पुल के पास ट्रांसपोर्ट वाले ट्रक यूनियन वाले उसको वहाँ बंद करेंगे। और लगभग सभी गांवों में आह्वान कर दिया है, संदेश दे दिया है कि पूरे ग्रामीण बंद को ग्रामीण बंद करें। और सभी लोगों से हम ये अनुरोध भी करते हैं कि आवश्यक कार्य के बगैर बाहर ना जाएं। किन किन संगठनों का सहयोग रहेगा इसमें? हरियाणा के लगभग सभी संगठन संयुक्त मोर्चा से जो संबंधित हैं सभी का हमारे को समर्थन है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो बंद कर रहे हो, शहरी क्षेत्र में भी कुछ रहेगा आपका? नहीं, शहर के चारों ओर जो गांव है, जो 5 किलोमीटर में या पहला गांव है, उन गांवों में सड़कें जाम की जाएंगी। क्या ये हरियाणा स्तर पर है या बड़े स्तर पर होगा? नहीं, ये पूरे भारत बंद का आह्वान है, ग्रामीण बंद का आह्वान है। किस मांग को लेकर कर रहे हैं अभी? ये हमारी जो आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री जी ने हमें MSP C2+50 का वादा किया था, बिजली विधेयक बिल 2020 का को किसानों को बाहर रखने का वादा किया गया था, और पराली जो प्रदूषण में भी किसानों को पराली जलाने से केस में बाहर रखने का वादा किया था, लेकिन आज तक सरकार ने कोई भी मांग हमारी पूरी नहीं की है। इसको उनको पूरे करवाने के लिए ये संयुक्त किसान मोर्चा ने 16 तारीख को बंद का आह्वान किया है। ये जो आपकी मीटिंग हुई है किस रिगार्डिंग हुई, थोड़ा बताएंगे? देखिए, आज हमारी जो संयुक्त किसान मोर्चे पर मीटिंग है उसका भी लगातार हमारी यहाँ पर मीटिंगें चल रही है, क्योंकि हमने कंट्रोल रूम बना रखा है। हम लगातार स्थिति का जायजा भी ले रहे हैं, और आज की जो मीटिंग है वो हमारी कल को लेकर के है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान है कि कल को भारत बंद का हमारा आह्वान है, और उस भारत बंद को सफल बनाने के लिए हमने आज मोर्चे पर मीटिंग की है। और तमाम गाँव में हमने फ़ोन के माध्यम से और वहां जाकर के साथियों को सूचित कर दिया गया है कि कल अपने अपने क्षेत्र में हर एक किसान बंद रखेगा। क्या जो इमरजेंसी सेवाएं उनके ऊपर भी बाधित होगा? नहीं, देखिए, हमारी इमरजेंसी कोई भी, चाहे एम्बुलेंस हो, विवाह हो, या कोई डेथ वगैरह केस में कोई बीमार हो, उस स्थिति में हमने एम्बुलेंस को रास्ता देंगे, शादी की बारात को रास्ता देंगे, जो भी इमरजेंसी सुविधा होगी उसके लिए हम रास्ता देंगे। किन किन संगठनों का सहयोग रहेगा? देखिए, इसमें सभी संगठनों का, तो किसान संगठनों का सहयोग है, मजदूर संगठनों का सहयोग है, और ट्रेड यूनियन, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो नहर महकमे का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो बिजली का हो, और हमारे ट्रक ऑपरेटर है, तमाम रोडवेज का है, तमाम संगठनों का हमें इस बंद के आह्वान में समर्थन है, और कल बिल्कुल हमारा ये प्रोग्राम है वो बिल्कुल सफल रहेगा।